हेलो गाइस, टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार। जी हाँ गाइस, ये है फोर्ड एंडेवर। यार इसके बारे में क्या ही कहने, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है इसकी। गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके यहाँ पे फ्रंट लुक से। फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं गाइस यहाँ पे नीचे की साइड फोर्ड की बैचिंग जो कि LED में दी गई है। प्लस गाइस यहाँ पे ये जो फिनिशिंग है ये पियानो फिनिशिंग में है, तो यार ये इसके लुक को काफ़ी एनहेंस कर रही है। ये पियानो फिनिशिंग में क्रोम की बैकिंग प्लस LED में यहाँ पे फोल्ड लिखा हुआ है, तो यार अलग ही लुक देता है। प्लस गाइस अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे LED रिफ्लेक्टर प्लस प्रोजेक्टर हेडलाइट यहाँ पे दे रखी है। साथ में यहाँ पे DRL यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं आपको मिलेंगे। और गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की एरोडायनेमिक लुक के बारे में, तो यार यहाँ पर दिखेगा जो कट्स आ रखे ना, ये एरोडायनेमिक लुक को काफ़ी एनहेंस करते हैं। क्योंकि गाड़ी जब यहाँ पे 150 के पार भागती है तो बबलिंग करने लगती है, बट ये गाड़ी वो नहीं करने वाली, क्योंकि यार एक तो स्ट्रॉन्ग इंजन, भारी गाड़ी प्लस एरोडायनेमिक लुक, ये चीज़ें इसको काफ़ी एनहेंस करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखने में। अब गाइस मैं बात करूँ इसके यहाँ पे फॉग लैम्प के बारे में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे LED में फॉग लैम्प दिए गए हैं। प्लस गाइस है पियानो की फिनिशिंग के साथ ये चीज़ हमें मिलती है। और गाइस अब बात करेंगे इसके साइड लुक के बारे में। इससे गाइस हम यहाँ पे साइड में आते हैं इसके साइड लुक में, तो हमें देखने को मिलता है क्या सबसे ज़्यादा इतना हाईलाइट हो क्या हो रहा है आपको, जाहिर सी बात है गाइस जो मुझे हो रहा है ये है इसके 22 इंच के अलॉय। जी हाँ गाइस, इसके 22 इंच के अलॉय व्हील है, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं। गाइस जो इसके टायर है ना, ये है यहाँ पे 22 इंच के अलॉय, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। मतलब गाड़ी का भौकाल तो इन्हीं टायरों की वजह से आ रहा है। प्लस इसकी स्किन से भी बाहर ही निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अलॉय व्हील है इसकी स्किन से भी बाहर निकल रखे हैं। और गाइस यहाँ पे क्रोम में यहाँ पे 3.2 ऑटो की यहाँ पे बैचिंग दी गई है। मतलब ये गाड़ी जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगी आपको। और इसकी जो इंडिकेटर है, साइड इंडिकेटर, इसके यहाँ पे मिरर के अंदर दिए गए। प्लस क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दे रखी है, और क्रोम फिनिशिंग में आपको यहाँ पे हैंडल देखने को मिलते हैं। और गाइस कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे क्रोम फिनिशिंग अगर यहाँ पर भी होती तो ज़्यादा बेटर लगती, बट कोई नहीं गाइस। गाड़ी में जो शीशे हैं वो ब्लैक हैं। अगर गाइस थोड़ा ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो रूफ ग्रिल हमें देखने को मिलती है वो सिल्वर स्मूथ में ही देखने को मिलती है कलर में, जो कि एक अच्छा कलर, डिसेंट कलर है। और गाइस यहाँ पे नीचे की साइड हमें यहाँ पे दिया गया है एक फुट रेस्ट, जिसके ऊपर हम पैर रख के इस गाड़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना होगा। अब गाइस मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग नहीं दे रखी, मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ क्रोम फिनिशिंग, जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि यार ये टॉप क्लास कार है और टॉप क्लास कार में तो बनता ही है देना। प्लस गाइस यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर की तरफ जाऊँ, यहाँ पे एक और चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो है यहाँ पे शार्क फिन एंटीना, बट यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ हमें दी गई है ऊपर की साइड, जो कि गाइस एक काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छी बात है, जिसको हम चाहते हैं कि पैनोरामिक सनरूफ होनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाड़ी में काफ़ी डिसेंट इनफ फीचर यहाँ पे मिलेंगे हमको। अब गाइस हम बात करेंगे इस गाड़ी के बैक लुक के बारे में, क्या बैक से गाड़ी देखने में कैसे लगती है। जैसे गाइस हम लोग यहाँ पे बैक में आते हैं, सबसे पहले हमें ब्रेकिंग लाइट देखने को मिलती है, ऊपर नीचे डिफोगर देखने को मिलता है, यहाँ पे एक एडजस्टेबल यहाँ पे एक वाइपर देखने को मिलता है, फोर्ड की बैचिंग बीच में देखने को मिलती है, एंडेवर की क्रोम में देखने को मिलती है। और सिंपल डिसेंट गाड़ी ये कुछ इस टाइप की होने वाली है। 4x4 पार्किंग सेंसर्स हमें बैक में देखने को मिलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। प्लस टाइटेनियम की बैचिंग यहाँ पे दे रखी है, और नीचे जो ये रेड कलर में दे रखे हैं ये यहाँ पे है रिफ्लेक्टर, जो कि पियानो फिनिशिंग के साथ आते हैं। ये कंप्लीट पियानो फिनिशिंग है यहाँ पे। तो इस टाइप का इसका बैक लुक। अब हम जाएंगे यहाँ पे इसके इंटीरियर में और देखेंगे इंटीरियर में क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस ये है इसका बूट स्पेस, जो कि लगभग यहाँ पे 200 लीटर का है, जिसमें आप लोग अपने छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और इलेक्ट्रिकली यहाँ पे होता है, ये बटन दबाने के बाद आप लोग ईजिली बंद कर सकते हो। और उसके हाइड्रोलिक्स देखो कितने बड़े बड़े हैं। इस टाइप का मिलता है आपको यहाँ पे फोर्ड एंडेवर की सेटअप। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से गाड़ी कैसी है। इस टाइम पे यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे फील हो रहा है मुझे बैठ के, क्योंकि यार काफ़ी उठा हुआ फील हो रहा है। सामने यहाँ पे बोनट आप लोग देख सकते हो, भाई वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे। बट गाइस ये थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर चढ़ के जाएगी ये गाड़ी, ऐसा मतलब फील हो रहा है कि यार कोई भी सामने छोटी मोटी गाड़ी आई तो इसको तो मैं पता ही नहीं लगेगा इस गाड़ी के आगे क्या हुआ इसका। अब गाइस यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी को, तो ये इसका पुश स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस टाइप की आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस यहाँ पे मैकेनिकल मिक्स है। तो इतना कोई मतलब आपको मतलब इतना फुल्ली इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। प्लस गाइस ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गियर बॉक्स के ऊपर ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पार्किंग प्लस रिवर्स प्लस न्यूट्रल। तो गाइस ये सारे मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सामने हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 इंच की यहाँ पे स्क्रीन दे रखी है। और गाइस अगर मैं इसके बोनेट की बात करूँ तो फुल्ली सॉफ्ट यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख सकते हो कंप्लीट सॉफ्ट टचिंग में यहाँ पे है ये। और गाइस इस गाड़ी में मैं बैठ के कह सकता हूँ कि एक सेफ्टी फील हो रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि एक मतलब टैंक के अंदर मैं बैठा हूँ। आप लोग इंटीरियर में देख ही सकते हो। वैसे गाइस जो ये इंटीरियर है इसका ये मॉडिफाइड करा रखा है, ये इसमें आता नहीं है। प्लस गाइस यहाँ पे जो ये एसी वेंट है क्या थ्रो मार रहे हैं यार। और गाइस अगर मैं यहाँ पे बोनट से नीचे आऊँ तो यहाँ पे 8 इंच की डिस्प्ले दे रखी है। इस 8 इंच की डिस्प्ले के बगल में ही हमें यहाँ पे एसी वेंट दे रखी है, जिसकी फिनिशिंग जो है यहाँ पे क्रोम में दे रखी है, वहाँ पे भी क्रोम में हो रखी है, प्लस वहाँ से लेके यहाँ तक क्रोम में ही आपको मिलेगी। प्लस गाइस यहाँ पे जो ये जो फिनिशिंग है सिल्वर पियानो में दे रखी है, मतलब सिल्वर पियानो यहाँ पे फिनिशिंग दे रखी है, जो कि इसको रिफ्लेक्शन अच्छा कर रही है प्लस इसके इंटीरियर लुक को इन्हेंस कर रही है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके डोर हैंडल के बारे में, जो कि यहाँ पे जो हैंडल दे रखा है यहाँ पे लाइट गोल्डन फिनिशिंग दे रखा है। और इसको हम कह सकते हैं गाइस कि मतलब इसी की जैसा ही ये लग रहा है, बट थोड़ा अलग है, वो गोल्डन में थोड़ा। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे कंट्रोलर्स के बारे में, तो यहाँ पे साइड यहाँ पे मिरर का जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस गाइस चारों पावर विंडो के कंट्रोलर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और गाइस और कंट्रोलर जैसे कि यहाँ पे वॉइस कमांड का ऑप्शन हो गया, कॉल कटिंग का ऑप्शन हो गया, कॉल कट का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग का ऑप्शन हो गया। ये सारे फीचर्स आपको हैंडल के अंदर ही मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन नहीं है, लेकिन गाइस काफ़ी डिसेंट है। क्योंकि गाइस ये 2018 का मॉडल में बैठा हूँ और जो इसकी कीमत होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन गाइस जो इसका जो ओवरऑल इंटीरियर है आज भी काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी तगड़ी है, कह सकते हैं गाइस सेफेस्ट से सेफेस्ट गाड़ी है ये। इस गाड़ी में बैठ के आप चाहे पहाड़ से गुजारो, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, मुझे फील तो ऐसे आ रहा है। अब गाइस मैं बात करूं यहाँ पे डिस्प्ले से नीचे की तरफ आते हुए, अब गाइस इसके नीचे में जैसे ही आता हूं तो यहाँ पे वॉल्यूम के यानी जो यहाँ पे वॉल्यूम है इसकी म्यूजिक सिस्टम की वो यहाँ दे रखी है। प्लस गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटो कार प्ले का सिस्टम दे रखा है और नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग का सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे पावर चार्जिंग का ऑप्शन भी आपके पास आता है। अब बात करेंगे गाइस इसके यहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में हमें यहाँ पे गियर हैंडल दे रखा है। प्लस गाइस अगर आपको यहाँ पे रिवर्स गियर मारना है तो यहाँ पे आपको एक प्लग मिलेगा, इसको दबाने के बाद ही आप लोग यहाँ पे रिवर्स गियर मार सकते हो। प्लस गाइस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हैंड रेस्ट देखने को मिलता है। हैंड रेस्ट के नीचे आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा स्पेस, जो कि काफ़ी सही है यार, मुझे यहाँ पे काफ़ी जो कि काफ़ी डीप और काफ़ी सही है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ जाते हुए तो यहाँ पे हमें कंप्लीट फिनिशिंग ब्लैक में दे रखी है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर लैम्प के बारे में तो यहाँ से इसके इंटीरियर लैम्प जलते हैं, जो कि एलईडी में दे रखे हैं। उस साइड का अलग है और इस साइड का अलग है, जो कि काफ़ी यार सही बात है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके सन डिफेंडर के बारे में तो इस टाइप का आपको मिलेगा। प्लस हमें मिरर भी आपको मिलता है और मिरर के अंदर आपको यहाँ पे 2 हैलोजन में लाइट देखने को मिलती है, जो क्या इसको बताता है कि एक लग्जूरियस गाड़ी है ये और डिसेंट इनफ फीचर के साथ ये आती है। अब गाइस मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सनरूफ के बारे में, जो कि पैरानोमिक सनरूफ है। चलो गाइस इसको खोलते हैं पहले, यही अब यहाँ से हमने बटन दबाया, इसके बाद ये सनरूफ खुलना शुरू हो जाएगी। कुछ इस टाइप का व्यू आपको देखने को मिलता है इसकी पैनोरामिक सनरूफ का। प्लस गाइस अगर आपको इसको भी खोलना है तो यहाँ से आप लोग दबा सकते हो, अब पैनोरामिक सनरूफ कंप्लीट पूरी खुल जाएगी यहाँ से लोग, और इसी बटन से आप लोग यहाँ पे इसे बंद कर सकते हो। और यहाँ से आपको इसका कंप्लीट कवर आपको बंद करना है तो वो आपको यहाँ से करने को मिलेगा, वो आ रहा है कवर इसका। तो ये था गाइस इसका फ्रंट का ओवरऑल रिव्यू। अब हम जाएंगे बैक में और देखते हैं गाइस बैक में कितना हमें कैसा इंटीरियर दे रखा है, प्लस बैठ के कैसे फील होता है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे ड्राइविंग पोजीशन में बैठा हूँ, अब मैं पीछे जाऊँगा और देखूँगा कि यार मेरा लेग स्पेस कितना बच रहा है, प्लस पीछे कितना स्पेस दिया हुआ है और इंटीरियर लुक कैसा है पीछे का और पीछे में कितना कम्फर्ट है, वो सारी चीज़ें बताएँगे। चलते हैं पीछे, चलते हैं आप पीछे बैठ के देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस अब आ गए हम इंटीरियर में और यार पीछे बैठ के तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। जो आगे से डिस्टेंस से कम 7 इंच का यहाँ पे मेरे को दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इंसान यहाँ पे बैठ सकता है। एक इंसान यहाँ पे मेरे और एक इंसान लेफ्ट में यहाँ पे बैठ सकता है। प्लस गाइस अगर मैं बात करूँ पैनों में सनरूफ हमने खोल रखी है जिससे कि यहाँ पे अंदर का जो ये सिस्टम है पूरा चमकीला दिखाई दे रहा है आपको। अब गाइस मैं बात करूँ इसके डोर के बारे में तो डोर में आपको सेम यहाँ पे डोर हैंडल वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सिल्वर पियानो फिनिशिंग देखने को मिलती है। प्लस गाइस यहाँ पे इसके लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके साइड में यहाँ पे सेम हमें देखने को मिलता है। प्लस एक दिवाली की लाइट भी हमें देखने को मिलती है जो कि मॉडिफाई करा रखी है। अब गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के नीचे की तरफ जैसे हम जाएंगे यहाँ पे AC कंट्रोल हमें दे रखे है। फ़ैन एडजस्टेबल, फ़ैन की स्पीड हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी हमें दे रखा है 12 वोल्ट का, जो कि गाइस एक अच्छी बात है जो कि इसके लुक को काफ़ी एनहांस कर रहा है। जैसे हम थोड़ा इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें इसी इवेंट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे LED लाइट देखने को मिलती है जो कि बोथ साइड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब गाइस मैं बात करूँ कि इस गाड़ी का अगर आपको पीछे जाना है तो आप लोग कैसे जाओगे, तो गाइस उसके लिए आपको ये प्लग दबाना पड़ेगा यहाँ से और एक इसकी सीट पीछे हो जाएगी, इसको यहाँ से आगे करना पड़ेगा। उसके बाद एक बंदा वहाँ से चढ़ के यहाँ पे आएगा। और जो सिस्टम है मुझे बहुत वाहियात लगा, सच बता रहा हूँ गाइस। अगर ये सिंपल में आती तो यार ज़्यादा बेटर था, लेकिन गाइस यहाँ पे कहते हैं ऐसा कि फोर्ड जा चुकी है। जी हाँ गाइस, सच्चाई भी है, फोर्ड जा चुकी है। और जो फोर्ड एंडेवर है ये यहाँ पे जो इसकी सर्विस है मल्टीपल यहाँ पे सर्विस सेंटर यहाँ पे संभाल रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे कह रहे हैं कि 2025 में यहाँ पे फोर्ड आ सकती है वापस, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली चली गई, फोर्ड आ सकती है वापस। प्लस यहाँ पे तब इन कारों की जो कीमतें हैं तब पता लगेगी कि कार की कीमत क्या है। प्लस गाइस जो एक गाड़ी है अपने आप में एक तहलका है, अंदर बैठ के ऐसा फील होता है कि इंसान सेफ हो, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है। प्लस गाइस यहाँ पे पीछे की तरफ हम जाएँ तो यहाँ पे सीट से रखी है 2 बंदों के बैठने की। 2 बंदे मेरे पीछे बैठ सकते हैं, 2 बंदे आगे, 3 बंदे पीछे में, प्रॉपर 7 सीटर सेफेस्ट कार में ये आती है। और गाइस अगर मैं आपको इसकी एक और चीज़ के बारे में बताऊं तो यार यहाँ पे 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है, वो मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी बाहर से ये कैसे देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे बाहर हो रही है बहुत गर्मी, तो यार प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्राइसिंग तो भैया ही बताएंगे। भैया इस गाड़ी की फोर्ड एंडेवर की प्राइसिंग क्या है, कौन सा मॉडल है ये? 2020 मॉडल है, 3.2 सबसे टॉप मॉडल है टाइटेनियम का 3.2 है। इसकी आस्किंग प्राइस है 32,50,000 रुपए, बाकी जो होगा ऑन टेबल नेगोशिएबल है। 20 मॉडल है, 2020 मॉडल है और ऑन टेबल नेगोशिएबल है। ओके, ये बात भी बढ़िया हुई। अच्छा, इसका माइलेज क्या होता है भैया? इसका माइलेज 7 से 10 के बीच में आता है। हाँ यार, 20 की गाड़ी तो इतना होता ही है। और इसमें एडिशनल 22 इंच अलॉय व्हील डल रखे हैं फ्यूल कॉन्ट्रा की। और टॉप स्पीड के बारे में मुझे पता है? टॉप स्पीड इसकी मेरे ख्याल जो 180 से 200 के आसपास। हाँ, तो मतलब यार काफी ज्यादा यहाँ पे मेरे को लगा ऐसे, क्योंकि यार 20 कार है और 20 कार में तो इतना होना बनता ही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यार यहाँ पे ये कार कहाँ मिलेगी यार, हरिद्वार में बैठे हैं हम इस टाइम पे, गंगा कार बाजार, आपको यहाँ पे ज्वालापुरी में शॉप मिलेगी। स्क्रीन में नंबर आपको यहाँ पे मेंशन हो रहे होंगे, उस पर आप लोग कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो। प्लस भैया का नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, जाके आप देख सकते हो। और गाइस अगर आपको कार चाहिए तो हरिद्वार में आइए और इस कार को यहाँ से ले जाइए। और गाइस यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई स्पेशल गाड़ी की डिमांड है, जैसे कि लग्जरियस गाड़ी मर्सिडीज BMW की डिमांड है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। क्यों भैया? बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल हमें बोल सकते हो कि आपको BMW मर्सिडीज जो सा मॉडल चाहिए वो हम आपको तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा, मतलब जैसे कि मेरी डिमांड है यहाँ पे एक लाइक फॉर्च्यूनर की, फॉर्च्यूनर लेजेंडर की या फिर लेटेस्ट मॉडल की, वो हमारे पास रेगुलरली 2 से 3 फॉर्च्यूनर, एंडेवर, स्कॉर्पियो, ये सब तो हमारे पास अवेलेबल रहता है। अच्छा, ये स्टॉक में रहता है? स्टॉक में रहता है। 3 से 4 लग्जरियस कार जैसे कि यहाँ पे हमारे ऑडी, BMW, मर्सिडीज हमारे पास एक 2020 मॉडल है मर्सिडीज हमारी। अच्छा अच्छा, वो सारी चीजें सब अवेलेबल। तो यार ये बात अच्छी है, आप लोग यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकते हो, अपनी गाड़ी को बुक भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को एक अच्छे रेट में एक बेस्ट कार यहाँ पे मिल जाएगी। और यार यहाँ पे एक्सीडेंटल कार बहुत रेयर ही आती है, मेरे ख्याल से नहीं आती है, नाम लेते ना देते गाड़ी। तो मतलब यार यहाँ पे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे काम है तो हमारी एक्सीडेंटल की। तो गाइस और क्या है चाहिए भैया, गारंटी दे रहे हैं और आप लोग यहाँ पे पेपर भी अच्छे से चेक कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।